हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनाना बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें टोटली वेस्ट सामान का यूज करना है, जैसे कार्डबोर्ड और स्वीट बॉक्सेस। कार्डबोर्ड हमें इक्वल साइज के पीसेस लेने हैं कार्डबोर्ड के, और उनको इस तरह से रोल कर लेना है। जब प्रॉपरली आप इसको टाइटली रोल कर लें, उसके बाद आप सेलोटेप ले करके इसको अच्छे से चिपका दें। जो भी हमें कार्डबोर्ड लेने हैं वो इक्वल साइज के कटे होने चाहिए सारे पीसेस, और उनको प्रॉपरली इस तरह से रोल करके एक रोल बना लें और अच्छे से चिपका दें। ये कार्डबोर्ड आप कोई भी सामान जब मंगाते हैं तो उसका जो आउटर पैकेज होता है उसको, वो थोड़ा थिन क्वालिटी का होता है, तो थोड़ा थिन वाला हमें चाहिए जो आसानी से रोल हो जाए और मजबूत भी रहे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली इस तरह से हमें कुछ रोल्स तैयार कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, वेलवेट पेपर लेना है। वेलवेट पेपर लेकर के उसको अच्छे से उसके ऊपर कवर कर दीजिए। आप इसको ग्लू से चिपका सकते हैं। और स्वीट बॉक्स लें, स्वीट बॉक्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर दें और स्वीट बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद उसके अंदर का जो पोर्शन होता है उस पर आप किसी भी पेपर को लगा करके उसको फेविकॉल से चिपका दें अच्छे से। मैंने व्हाइट पेपर चिपकाया है, आप कोई भी अच्छा सा कलर चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और दोनों पीसेस हमने अच्छे से चिपका दिए हैं। फिर ग्लिटर टेप लेना है। ग्लिटर टेप आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, क्योंकि ये सिंपल आपका इजीली बहुत जल्दी घर में बन जाएगा। इस तरह से आप चारों तरफ से इसको ग्लिटर टेप से लगा दें, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ग्लू गन से आप इसको रोल को चिपका दें। जो एक पीस लीजिए स्वीट बॉक्स का, उसके ऊपर ग्लू गन से चारों कॉर्नर्स पे चार पोल आप इस तरह से लगा दें, यानी चार रोल्स आपको अच्छे से चिपका देने हैं। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इंस्टेंट ग्लू भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्लू से भी ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से चारों कोने पे आप लगा दें, यानी चारों कॉर्नर्स पे ये पिलर का काम करेंगे। और इसके ऊपर जो हमारा सेकंड पोर्शन है, यानी कि स्वीट बॉक्स का ऊपर का हिस्सा, आप उसको इसके ऊपर ऐड कर दें। ग्लू गन से चारों पोल्स पे ऊपर की तरफ भी ग्लू लगा दें अच्छे से, और फिर उसके बाद जो स्वीट बॉक्स का ऊपर का हिस्सा है उसको भी रख दें इस तरह से। और आप ये जो ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं इसमें आप जितने स्टेप्स चाहें उतने स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। वन स्वीट बॉक्स में चार पोल्स और टू स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको और हाइट देना चाहते हैं तो आप इसमें अदर स्वीट बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये फोर पोल्स में इसमें और ऐड कर रही हूँ, यानी इसके ऊपर आप चार कॉर्नर्स पे फिर से इस तरह से लगा दें। और पोल्स लगाने के बाद आपको उसके ऊपर फिर से एक स्वीट बॉक्स ऐड करना होगा। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको हाइट दे सकते हैं और इसमें स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। ये आपका मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर है। इसमें आप किसी भी तरह की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं हमारे उनको रख सकते हैं, और आपका किचन काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे किचन में। ये देखिए, ये हमारा बनकर के कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 3 स्टेप्स रखे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। इसमें हम अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग तरह के मटेरियल्स भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो किचन के टॉवल्स वगैरह आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। किचन में भी छोटे छोटे बॉक्सेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसकी हाइट, यानी कि पोल्स जो है उनको आप छोटा या बड़ा जितना भी आप चाहें उतना रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको लेंथ दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।